हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सोनू के टीटू की स्वीटी तो सोनू के टीटू की स्वीटी फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर आपको बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगा उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर प्रॉपर डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे साथ ही में इस फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू होने वाला है जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस मिलने वाली है इसी के साथ फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट और म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर भी हम बातचीत करेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सोनू के टीटू की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टीटू स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लवरंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयशा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिनट्स और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेख नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज़ किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिविल नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्ता ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बॉम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नितिन मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्नत नो मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह तो से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को 2017-18 में रिकॉर्ड किया गया था और 14 फरवरी 2018 को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंड है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुक्मणी के भाई है मधुमती कपूर ने इस फिल्म में रुक्मणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल climbing... प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पे साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस भी आपको बॉम डिगी बॉम्ब वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटियाँ हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किया हुआ है सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरोचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लवरंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहां पे सभी चीजों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी काफी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया एक और एक मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कौन थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सिक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी दो को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीब छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ सतहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ से छी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पाँच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और से इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ आ... कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई पे 22000 वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी Prime अमेजोन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पे सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ टी टी पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के सीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ टी वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू की स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सोनू के टी की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टी स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमति कपूर आयशा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन स्ट और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावास जेख नायट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिविल नहीं किया हुआ है तो so, इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहां पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्ता ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स इस दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु और निति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्नत नो मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को 2017-18 में रिकॉर्ड किया गया था और 14 फरवरी 2018 को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिटे राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रोकमणी के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगे वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस पे आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किया हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ है वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत परोचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक्शुशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है लौरंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का, का काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ एक मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कोनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी दो हज़ार अट्ठारह को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीब छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी टू की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ से छो सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पाँच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे ओवर से इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करे तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट है से वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीच बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्सन एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्विटी का जो ओ टी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू की के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फिल्म में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सोनू के टी की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो होता है सोनू टी स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजोन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयशा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिंस ट्विंस और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेक नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कम्पोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूच और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है और गाजियाबाद में खासकर ज्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो, यो हैनी सिंह सिंहस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो है हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक सेक नाइट ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्त मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वैलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिटे राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुकमणि के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणि शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जीस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस पे आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पर प्रीतम जेसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ है वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरूचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नजर आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डरेक्शन है लव रंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफ़ी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीज़ें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ एक सौ अड़तीस मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और ओनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टीटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सिक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी दो हज़ार अट्ठारह को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीब छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर, वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी टू की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन घुस्से सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पाँच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं और ओवर्स इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ आ... कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट है से वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्सन एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ वर्जन है वो आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू की स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सोनू के टी की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टी स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोदी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन चालीस करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जेस सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन स्ट और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेक नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहां पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है और गाजियाबाद में खासकर ज्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर से किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स जो है सिंहस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स इस दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को तो अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स जो हैनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो सिंह कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स डिग्री डिग्री और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुख्रीति कक्कर मन नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज़ के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वैलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिटे राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंड फादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुकमणि के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणि शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टी के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु रेनु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के, के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस भी आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पर प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरूचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नजर आती है, सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लव रंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहां पे सभी चीजों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ एक सौ अड़तीस मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कौन थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात यह कि इस फिल्म का सिक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी 2018 को रिलीज करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस तो लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी ये फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पाँच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स एमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के सीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ वर्जन है वो आपको अमेज़न प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्सन जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच

वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन स्ट और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 138 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली योयो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जैक नायट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फ़िलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूच और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहां पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाजियाबाद में खासकर ज्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंहस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स इस दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिग्री डिग्री वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक ने दिया हुआ है, गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नितिन मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर नू, मन मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज करवाया हुआ था जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन इंटाकोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिटे राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंड फादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रोकमणी के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणि शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टी टू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जैस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस पे आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए सोनू के टीटू की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टीटू स्वीटी ये एक 2018 की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लवरंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका राजेश जेस सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन ट्विंस और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली योयो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावास जेख नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टीटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाज़ियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफ़ी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हजार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्ता ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और ईशर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृति कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नितिन मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर नो मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को 2017-18 में रिकॉर्ड किया गया था और 14 फरवरी 2018 को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज करवाया हुआ था जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिट राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुकमणि के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डेगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवेंस भी आपको बॉम डेगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पर प्रीतम जेसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटियाँ हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल रस्टिक थी जिस तरह से वन लाइनस मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरूचा भी काफी बढ़िया काम करती हुई नजर ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुए वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लवरंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहां पे सभी चीजों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफी रिच नजर आ रही थी लोकेशंस काफी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा में सभी चीजों को अच्छी तरह से सोकिस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया और एक सौ मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कोनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टीटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज़ करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को 23 जनवरी 2018 को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस तो लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर, वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क करी थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ से छॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पौ सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स है वो भी काफी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करे तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स एमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू की स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सोनू के टीटू की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टी स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स, टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमति कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमीर राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन स्ट्स और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेख नायट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स ख़रीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टीटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डीएलएफ साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो, यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बॉम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लख मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्न मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज करवाया हुआ था जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे हैं जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रोकमणि के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटविन भी आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटियाँ हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनस मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरूचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नजर आ थी सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लवरंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उसकी काफ़ी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीज़ें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया एक और एक मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और ओनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टीटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज़ करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को 23 जनवरी 2018 को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ से छी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पांच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ आ... कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोथ कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डी बी पे बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफी बड़ी रकम में बीचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजोन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू की स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इन्जॉय कर पाओगे सोनू के टीटू की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टी स्वीटी ये एक दो की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स, टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमति कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिनट्स और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली योयो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावास जेख नायट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है और गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए हैं म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वैलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज करवाया हुआ था जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुक्मणी के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुक्मणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिन ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्विटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन विटवींस भी आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरोचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लव रंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उसकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीज़ें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमा ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया एक और एक सौ मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कोनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सिक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज़ करवाया जाता है क्योंकि दो में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी 2018 को रिलीज करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते ये फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ के चलते इस फिल्म ने वर, वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी ये फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी टू की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन घुस्से सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनहत्तर करोड़ पांच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे ओर से इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ आ... कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक सौ करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीचे बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पे सैटेलाइट राइट सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिले हुए थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओटीटी पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विद इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में विद सब्सक्रिप्शन एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टी टू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स से

वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लवरंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमती कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमिन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिनट्स और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जैक नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पे उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टीटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है वो गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेड किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंहस्था ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंगर थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स इस दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जैक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंडफादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुक्मणी के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुक्मणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिन ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन विटवींस भी आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ है वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरूचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आते ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डिरेक्शन है लव रंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीज़ें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नजर आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा के मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफी बढ़िया काम किया हुआ एक मिनट में काफी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कौन थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी 2018 को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस तो लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ सतहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफ़ी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू तुस्वेट के टी टू की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ और सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पांच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सैटेलाइट राइट्स है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सैटेलाइट राइट्स है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम टी वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बिके थे, जहां पे OTT ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफी बढ़िया आई हुई थी वहीं पे सैटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफी बढ़िया तरीके से टीआरपी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टीटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन एमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टी टू स्वीटी का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर सोनू के टी टू स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सोनू के टीटू की स्वेटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टीटू स्वेटी ये एक 2018 की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लवरंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स हैं जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म्स, टी सीरीज़ और अमेजन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज और लव लव फिल्म्स के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमति कपूर आयसा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमीन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिनट्स और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेख नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज़ किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूटूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिवील नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहाँ पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहाँ पे इस फिल्म में सोनू के टीटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है और गाजियाबाद में खासकर ज़्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेट किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्ता ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ यो यो हनी सिंह ने सिंग थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लक मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्न मन्नत नूर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूं मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज़ के पास थे इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और चौदह फरवरी दो को ऑफिशियली वैलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम कशिटे राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंड फादर है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुक्मणी के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुक्मणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमिन ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जीस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगी वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस पे आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटियाँ हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किया हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत भरोचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई है वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डरेक्शन है लव रंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफ़ी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीज़ें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का काफ़ी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज़ किया हुआ था सभी गाने काफ़ी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मजबूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफ़ी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया एक और एक मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसके बदौलत ये फिल्म काफ़ी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कौन थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज़ करवाया जाता है क्योंकि दो में फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी दो को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन नौ तो करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में 45 करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क करी थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौंसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू के टी की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ और सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पाँच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और से इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ आ... कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफ़ी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पर सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स वालों ने ख़रीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई एम डी वी पर बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ टी टी और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीच बिके थे जहाँ पे ओ टी टी राइट्स एमेजोन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टी आर पी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टीटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्वीटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टी टू स्वीटी का जो ओ टी टी वर्जन है वो आपको अमेजोन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्सन जहाँ पर इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच डी चैनल के ऊपर सोनू के टी टू स्वीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे सोनू के टीटू की स्वीटी जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करे तो होता है सोनू टीटू स्वीटी ये एक 2018 की हिंदी लैंग्वेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जहाँ पे इस फिल्म का जो स्टोरी आइडिया है वो लव रंजन का था उसके ऊपर जो स्क्रिप्टिंग है स्क्रीन प्ले है और डायलॉग है वो राहुल मोडी और लव रंजन ने मिलकर क्रिएट किए हुए हैं फिल्म का डायरेक्शन लव रंजन ने ही किया हुआ है प्रोड्यूसर्स की बात करें तो भूषण कुमार कृष्ण कुमार लव रंजन और अंकुर गर्ग ये टोटल चार प्रोड्यूसर्स है जिन्होंने इस फिल्म को करीबन 40 करोड़ के बजट के साथ बनाया हुआ था तो एक मीडियम बजट के साथ आने वाली फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचाया हुआ था इस फिल्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संभाला हुआ था ए फिल्म टी सीरीज़ और अमेजोन प्राइम वीडियो ने जहाँ पे इस फिल्म को प्रोडक्शन हाउस टी सीरीज़ और लव लव फिल्म के नीचे प्रोड्यूस किया गया था फिल्म के लीड रोल में कार्तिक आर्यन सनी सिंह नुसरत भरूचा देखने को मिलेंगे इनके अलावा इसी तरह राज शर्मा आलोकनाथ वीरेंद्र सक्सेना मधुमति कपूर आयशा राजा मिश्रा पवन चोपड़ा दीपिका आमीन राजेश जे सोनाली जे सेगल साक्षी मलिक कोलिन स्ट और प्रीतम जयसवाल ये सभी लोग आपको सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं इसके अलावा इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी सुधीर के चौधरी ने की हुई है एडिटिंग आकिब अली ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का रन टाइम दिया हुआ है यानी कि फिल्म आपको दो घंटे अट्ठारह मिनट की देखने को मिलेगी इस फिल्म के म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो बैकग्राउंड स्कोर है वो हितेश सोनी के ने कंपोज किया हुआ है वहीं पे फिल्म के गाने वो रोचक कोहली यो यो हनी सिंह अमाल मलिक गुरु रंधावा जेख नाइट सौरभ वैभव और राजत नागपाल ने मिलकर कंपोज किए हुए हैं इस फिल्म में टोटल आपको आठ गाने सुनने को मिलेंगे जहाँ पे सभी डिफरेंट डिफरेंट वर्जन को सभी डिफरेंट डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर ने मिलकर कंपोज किया हुआ है और इन गानों की जो टोटल लेंथ है वो करीबन तीस मिनट तेरह सेकंड है टी सीरीज़ ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं अच्छी खासी प्राइस में इन गानों को दो हज़ार में रिकॉर्ड किया गया था और फिलहाल में अभी ये गाने आपको यूट्यूब पर उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यानी कि टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूटूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुनने को मिल जाएंगे अब इस फिल्म के प्रोडक्शन के ऊपर पर बातचीत करें डेवलपमेंट के ऊपर तो लव रंजन जो इस फिल्म के डायरेक्टर है उन्होंने एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई थी अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू 6 दिसंबर 2016 को कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग स्टार्ट करने वाले 12 दिसंबर 2016 से जहां पे इस फिल्म का जो टाइटल है अभी तक ऑफिशियल है हमने रिविल नहीं किया हुआ है तो इस फिल्म के हम कार्तिक आर्यन और नुसरत भरूचा और संजय सिंह को लेकर इस फिल्म को हम बनाने वाले हैं जहां पे बाद में 16 जून 2017 को इस फिल्म का एक ऑफिशियल टाइटल वीडियो आया था जिसको यूट्यूब पे अवेलेबल किया हुआ था जहां पे इस फिल्म में सोनू के टिटू का जो आइडिया था टाइटल का उसको किस तरह से क्रिएट किया हुआ है वही सब चीज़ें उस उसमें थोड़ी दिखाने की कोशिश की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म की जो फिल्मिंग है वो दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मुंबई ऋषिकेश जॉर्जिया ऐसे अलग अलग लोकेशन के ऊपर शूट की हुई थी इस फिल्म की शूटिंग है और गाजियाबाद में खासकर ज्यादातर शूट की गई थी राजनगर सेक्टर फाइव में जहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग को काफी लंबे समय तक वहीं पे शूट किया हुआ था इसके अलावा गुरुगम डी साइबर हब और कुछ सीन्स को नोएडा महागन मॉडर्न और महागन मार्वेला में शूट किया हुआ साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें तो इस फिल्म का जो बैकग्राउंड स्कोर है और जो म्यूजिक डायरेक्टर है वो काफ़ी अलग अलग देखने को मिलेंगे इस फिल्म को हर एक गाने के लिए अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर सेड किए हैं ऐसा नजर आएगा जहाँ पे इसके राइट्स से वो टी सीरीज वालों ने खरीदे हुए हैं म्यूजिक की टोटल लेंथ है वो तीस मिनट तेरह सेकंड है दो हज़ार सत्रह दो हज़ार अट्ठारह में रिकॉर्ड किया गया था चौदह फरवरी दो हज़ार अट्ठारह को इन गानों को ऑफिशियली टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया गया था वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर ट्रैक लिस्टिंग करें तो पहला गाना है दिल चोरी तो उसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह सिंगस्ता ओ सेरा ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक दिया हुआ है। है यो यो हनी सिंह ने सिंग थे यो यो हनी सिंह सिमर कौर और इसर्स इस दूसरा गाना सुबह सुबह जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए म्यूजिक को अमाल मलिक का सुनने को मिलेगा वहीं पे जो सिंगर है वो अरिजीत सिंह प्राकृतिक कक्कर अमाल मलिक सुनने को मिलेंगे तीसरा गाना छोटे छोटे पेग जिसके लिरिक्स यो यो हनी सिंह ने लिखे हुए म्यूजिक भी यो यो हनी सिंह का ही सुनने को मिलेगा इसको गाया हुआ यो यो हनी सिंह नेहा कक्कर और नवराज हंस ने चौथा गाना बोम डिगी डिगी जिसके लिरिक्स है वो जेक नाइट और कुमार ने मिलकर लिखे हुए म्यूजिक जेक नाइट ने दिया हुआ है गाया हुआ है जेक नाइट जसमिन वालिया ने पांचवा गाना कौन नच दी जिसके लिरिक्स गुरु रंधावा ने लिखे हुए म्यूजिक डायरेक्टर है गुरु रंधावा रजत नागपाल सिंगर है गुरु रंधावा और नीति मोहन छठा गाना लख मेरा हिट जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर थे, थे रोचक कोहली सिंगर थे सुकृति कक्कर मन्नत नो मन्नत नोर और रोचक कोहली सातवा गाना तेरा यार हूँ मैं जिसके लिरिक्स कुमार ने लिखे हुए थे कंपोज किया हुआ है रोचक कोहली ने गाया हुआ है अरिजीत सिंह ने स्वीटी सोली सोली करके जो गाना था उसके लिरिक्स स्वप्निल तिवारी ने लिखे हुए थे इस म्यूजिक दिया हुआ था सौरभ वैभव ने और गाया हुआ था मिका सिंह ने इस तरह से टोटल आठ गाने थे जिसकी लेंथ थी तीस मिनट तेरह सेकंड इसके राइट टी सीरीज के पास थे इन गानों को 2017-18 में रिकॉर्ड किया गया था और 14 फरवरी 2018 को ऑफिशियली वेलेंटाइन डे के मौके के ऊपर टी सीरीज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इन गानों को वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में फ्री में अवेलेबल किया हुआ था तो इस तरह से इस फिल्म को गानों को कंपोज करके रिलीज़ करवाया हुआ था जिसको काफ़ी बढ़िया रिस्पांस मिला हुआ था इस फिल्म में कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले करा है उसके ऊपर बातचीत करें तो कार्तिक आर्यन ने सोनू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है सनी सिंह ने टीटू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है नुसरत भरूचा आपको स्वीटी शर्मा के रोल में दिखाई देंगी जो फिल्म की मेन एंटागोनिस्ट है इसी तरह शर्मा आपको पीहू खन्ना के रोल में दिखाई देंगी आलोक नाथ ने कशित राम राम शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू के ग्रैंड है वीरेंद्र सक्सेना लालवंत यानी कि लालू बंसल का रोल प्ले कर रहे जो घसीटे राम के बेस्ट फ्रेंड और रुकमणि के भाई है मधुमति कपूर ने इस फिल्म में रुकमणी शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की ग्रैंड मदर है आयशा रजा मिश्रा ने मंजू शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो टीटू की माँ है पवन चोपड़ा आपको धर्म शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो टीटू के फादर है दीपिका आमीर ने इस फिल्म में रेणु का रेणु शर्मा का रोल प्ले किया हुआ है जो स्वीटी की माँ है राजेश जेस आपको पराग शर्मा के रोल में दिखाई देंगे जो स्वीटी के फादर का रोल है सोनाली सेगल ने इस फिल्म में एक स्पेशल अपीयरेंस दिया हुआ है सोनू के गर्लफ्रेंड के तौर पर साक्षी मलिक ने इस फिल्म में बॉम डिगे वाले गाने में काम किया हुआ है कॉल इन बिटवींस पे आपको बॉम डिगी बॉम वाला सॉन्ग है उसमें स्पेशल अपीरेंस देते हुए नज़र आएंगे वहीं पे प्रीतम जयसवाल ने बाबू का रोल प्ले किया हुआ है जो एक हाउस हेल्पर है जो स्वीटी हायर करती है जो इस तरह से इतने जो आर्टिस्ट है उन्होंने इस फिल्म में डिफरेंट डिफरेंट प्रोमिनेंट किरदार प्ले किए हुए हैं सभी आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार थी नेचुरल रोल स्टिक थी जिस तरह से वन लाइनर्स मिले हुए थे उसमें काफ़ी छाए हुए थे कार्तिक आर्यन ने जिस तरह से अपनी कॉमेडी टाइमिंग के साथ फिल्म को में अपना किरदार डिलीवर किया हुआ वो लाजवाब है इस फिल्म में उनका काम काफ़ी बढ़िया है उनके अपोजिट नुसरत फरोचा भी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आती ये सनी सिंह ने अच्छा सपोर्ट दिया हुआ था इस फिल्म के सपोर्टिंग आर्टिस्ट के थ्रू भी एक एक सिचुएशनल कॉमेडी क्रिएट की हुई वो बढ़िया है इसके अलावा इस फिल्म का जो डायरेक्शन है लौरंजन ने किया हुआ है उनका स्टोरी आइडिया डिसेंट था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन उसकी ट्रीटमेंट उनकी काफी बढ़िया थी स्क्रीन प्ले अच्छी तरह से लिखा हुआ था जिसके चलते ये सभी चीजें और बेहतर वे में वर्क कर गई थी जहाँ पे सभी चीज़ों का एग्जीक्यूशन परफेक्ट होने की वजह से लोगों को ये फिल्म पसंद आई थी चालीस करोड़ का बजट था फिल्म की हर एक फ्रेम काफ़ी रिच नज़र आ रही थी लोकेशंस काफ़ी बढ़िया थे इस फिल्म के कैमरा मैन ने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ था आर्ट डायरेक्शन बढ़िया था फिल्म का म्यूजिक डिपार्टमेंट में फिल्म का, का काफी बढ़िया काम देखने को मिलता है बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा था सॉन्ग्स काफ़ी बढ़िया थे कुछ सॉन्ग्स इमोशनल थे कुछ सॉन्ग्स काफ़ी पार्टी मूड वाले थे सभी को अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ था सभी गाने काफी बड़े हिट साबित हुए थे इसके अलावा इस फिल्म की टेक्निकल टीम तो इतनी मज़बूत थी जिसकी वजह से ये फिल्म काफी बढ़िया थी एडिटर ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया हुआ एक मिनट में काफ़ी अच्छी तरह से स्टोरी को दिखाने की कोशिश की हुई थी जिसकी बदौलत ये फिल्म काफी बढ़िया तरीके से लोगों के बीच में दिल जीत गई थी और इसी के चलते इस फिल्म की जो सिक्वल है उसको अनाउंस की गई थी अप्रैल दो में जहाँ पे टी सीरीज़ जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर और कोनर थे वो भूषण कुमार उन्होंने कंफर्म किया हुआ था कि सोनू के टिटू की स्वीटी का सीक्वल आने वाला है जो अंडर प्रोडक्शन है अब देखने वाली बात ये कि इस फिल्म का सीक्वल चार साल हो गए अब आने वाले समय में कब तक रिलीज करवाया जाता है क्योंकि दो में ये फिल्म को रिलीज़ किया गया था करीबन इस फिल्म को तेईस जनवरी दो को रिलीज़ करवाया गया था जब फिल्म को रिलीज़ करवाया गया धीरे धीरे फिल्म ने पॉजिटिव रिस्पांस हासिल किया जिसके चलते फिल्म ने पहले दिन एक अच्छे खासे बस के साथ छः करोड़ बयालीस लाख का नेट कलेक्शन किया हुआ था दूसरे दिन इस फिल्म ने करीबन तो नौ करोड़ चौंतीस लाख का कलेक्शन किया हुआ था दस करोड़ इक्यासी लाख का तीसरे दिन तो छः करोड़ बयालीस लाख का पहले दिन बस के हिसाब से कलेक्शन हुआ था उसके बाद में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ फिल्म के कलेक्शन को और अच्छा खासा बूस्ट दिया जिसके चलते तीन दिनों में फिल्म ने करीबन छब्बीस करोड़ सत्तावन लाख का वीकेंड इंडिया से हासिल किया हुआ था पॉजिटिव वर्ड ऑफ के चलते इस फिल्म ने वर, वर्किंग डे पे यानी कि वीक डेज के ऊपर भी अच्छा खासा कलेक्शन किया हुआ था जिसकी बदौलत फिल्म ने पहले वीक में पैतालीस करोड़ चौरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था दूसरे वीक में फिल्म ने करीबन 29 करोड़ सतहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था तीसरे वीक में भी ये फिल्म काफी बढ़िया वर्क कर रही थी जिसने करीबन सत्रह करोड़ तिरानवे लाख का कलेक्शन किया हुआ था टोटल तीन वीक में इस फिल्म ने तिरानवे करोड़ चौसठ लाख का इंडिया से कलेक्शन किया हुआ था सोनू केटी टू की स्वीटी फिल्म हंड्रेड करोड़ क्लब में चौथे दिन कुछ से सॉरी चौथे वीक में आती है जहाँ पे पच्चीस दिनों में इस फिल्म ने करीबन पच्चीसवें दिन इस फिल्म में आठ पॉइंट अट्ठासी करोड़ का वो लास्ट वाला वीक किया हुआ था कंप्लीट जिसकी बदौलत इस फिल्म ने सौ करोड़ का कलेक्शन किया हुआ था जहाँ पे सिक्सटी थ्री डेज ये फिल्म सिनेमा में चली हुई थी और इस फिल्म ने काफ़ी धमाका मचाया हुआ था जिसके चलते ये फिल्म डे बाय डे बढ़िया कलेक्शन करती गई और ये फिल्म करीबन आठ से नौ वीक तक थिएटर में रही थी जहाँ पे इस फिल्म ने चार पॉइंट पच्चीस करोड़ एक पॉइंट उनसत्तर करोड़ पांच सैंतीस लाख दस लाख और बीस लाख दो लाख तक इस फिल्म ने सात आठवें नौवे वीक तक कलेक्शन किया हुआ था जिसके चलते इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया में 108 करोड़ पंचानवे लाख का निकल के आया हुआ था वहीं पे और से इसका कलेक्शन मिला दे तो वो कुछ 30 करोड़ के आसपास का था जिसकी बदौलत 140 करोड़ जितना ग्रोस कलेक्शन इस फिल्म का निकल के आया हुआ था और उसके बाद में फिल्म के दूसरे कुछ कलेक्शन को मिलाकर 40 करोड़ के बजट के सामने फिल्म ने करीबन एक करोड़ का ग्रोस कलेक्शन करके निकाला हुआ था तो इस तरह से ये फिल्म काफ़ी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी जहाँ पे इस फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स से है वो भी काफी बड़ी रकम में बेचे गए थे इस फिल्म के ओ राइट्स के ऊपर बातचीत करें तो अमेजोन प्राइम वीडियो वालों ने खरीदे हुए वहीं पे सेटेलाइट राइट्स से है वो सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा कि आई पे डी बाईस हज़ार वोट मिले हुए थे सात पॉइंट एक की रेटिंग हासिल थी दस में से जिसका मतलब ये है कि ऑडियंस को ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी जिसने करीबन डेढ़ सौ करोड़ का बॉक्स ऑफिस रन लिया हुआ था तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिल्म के ओ और सेटेलाइट राइट्स काफ़ी बड़ी रकम में बीचे बिके थे जहाँ पे ओ राइट्स एमेज़ॉन प्राइम वीडियो ने बड़ी रकम में खरीदे हुए थे और उनकी व्यूअरशिप भी काफ़ी बढ़िया आई हुई थी वहीं पर सेटेलाइट राइट्स सोनी मैक्स वालों ने खरीदे हुए थे उनको भी काफ़ी बढ़िया तरीके से टी मिली हुई थी तो फिलहाल में ये फिल्म आपको ओ पे आपको देखने को मिलेगी सोनू के टिटू की स्वीटी के नाम के साथ विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में विथ सब्सक्रिप्शन एमेज़ॉन प्राइम वीडियो के ऊपर इस फिल्म का सैटेलाइट वर्जन है वो आपको सोनी मैक्स के ऊपर देखने को मिलेगा जहाँ पे सोनू के टीटू के स्विटी के नाम के साथ इस फिल्म को सोनी मैक्स के ऊपर विथ इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में अवेलेबल किया जाएगा तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सोनू के टीटू की स्वीटी का जो ओ वर्जन है वो आपको अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर ऑफिशियली देखने को मिलेगा विथ इंग्लिश सब विथ जहाँ पे इस फिल्म को हिंदी वर्जन में अवेलेबल किया हुआ है वहीं पे इस फिल्म का जो टेलीविज़न प्रीमियर है वो आपको सोनी मैक्स और सोनी मैक्स एच चैनल के ऊपर सोनू के टी टू किसवीटी के नाम से देखने को मिलेगा जहाँ पे फिल्म बिल्कुल फ्री में आपको देखने को मिलेगी तो बस गए इस तरह से इस फिल्म को आप ऑफिशियली इंजॉय कर पाओगे तो बस गए इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थी वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म कहाँ पे कैसे फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसकी जानकारी दे दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी डिटेलिंग दे दिए फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे स्टोरी के ऊपर एक एनालिसिस एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रेने, करके दी हुई है साथ ही में मैंने आपको इस फिल्म की कहानी के साथ साथ स्टार का सपोर्टिंग कास्ट के परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करके दी हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी मैंने आपको प्रॉपर जानकारी दे दी तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू